एक फैमिली जैसे हैं। सॉन्ग सो टुनू टुनू इज अ पंजाबी लिरिक्स इट्स दैट मीन कि लक जो होता है लक मीन्स कमर कमरिया जो होती है वो लक पेंडुलम की तरह हिल रही है दैट इज कॉल्ड लक टुनू टुनू सो लक मेरा टुनू टुनू करता है इन अदर वर्ड्स मेरी कमरिया पेंडुलम की तरह हिल रही है यस ये आपने गाना सलीम में कमरिया को देख के लिया या या एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने अच्छा जबरदस्त ये तो हमारा पहला म्यूजिक वीडियो है शुरुआत हुई है अभी आगे चलकर बहुत बहुत एक्सेलेंट जबरदस्त माइंड बॉगलिंग म्यूजिक क्रिएट करना है म्यूजिक वीडियोस बनाने हैं एंड जो सिंगल्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसे हमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट बनानी है ये ज़रूरी नहीं है कि हम एल्बम क्रिएट करें जिसमें 8 गाने हों या 10 गाने हों सिंगल्स का एक अलग क्रेज़ होता है और हम चाह रहे हैं कि उस क्रेज़ को हम बरकरार रखें जी देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है एक नॉन फिल्म सॉन्ग को तो इसके बारे में क्या कहना है कि आज के दौर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है थैंकफुली इस एरा में नॉन फिल्म सॉन्ग्स को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं जोरदार आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कि गुरु रंधवा के रंधावा हाय सुकृति काका सॉरी आई एम लेट हाउ आर यू Guys, do not forget her punishment. She's late. We have to make her sing. Yes, yeah, for sure. Yeah, so I was saying that Guru's Lahore video has received 700 million plus views on YouTube, thereby breaking all records of all the film songs. Yeah, so. एक
नॉन फिल्म सॉन्ग ने एक हजारों लाखों फिल्म सॉन्ग्स को जबरदस्त जोरदार टक्कर दी है. इससे हमें ये पता चलता है कि आज लिसनर्स को सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से मतलब है. वेरी ट्रू. आई थिंक म्यूजिक एंड अच्छे सॉन्ग्स, अच्छा कंटेंट होना चाहिए आपके पास. बस हाई क्वालिटी कंटेंट हो, चाहे वो फिल्म का कंटेंट हो या नॉन फिल्म कंटेंट हो, ये मतलब ये मायने बिल्कुल नहीं रखता. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर म्यूजिक एंड ऑल ऑफ अस कैन डू एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू डू. यू नो वेदर इट्स अ मूवी, वेदर इट्स अ सिंगल, आई थिंक एवरीथिंग स्टैंड्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टुडे. एंड यू नो इट्स जस्ट लाइक सिंगल्स आर वर्किंग सो मच मोर देन एल्बम्स वुड. एंड कितने सारे फिल्म के गाने इतने प्रमोट नहीं होते जितने सिंगल्स होते हैं. सो यू नो देयर आर सिक्स सॉन्ग्स इन वन मूवी एंड वन विल वर्क और टू विल वर्क. सो आई रियली एंड इट्स लाइक आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू माय सिंगल्स दिस ईयर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड यू आर लुकिंग मोर पावर टू ऑल ऑफ देम. यस. इनके साथ काम करके बिल्कुल नहीं लगा कि ये न्यू कमर्स हैं. इनफैक्ट इन्होंने मुझको फील करवाया कि मैं न्यू कमर हूँ. इतने प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस के साथ ये लोकेशन पर आए अपने स्टेप्स करने, तो मुझे लगा कि यू नो ऐसे लोगों के साथ काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में. क्यों? क्योंकि दीज पीपल मे बी न्यू फॉर यू ऑल, बट ये अपना काम कई सालों से कर रहे हैं. तो दे आर प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड, दे आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल द मीडिया, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड दैट इज वॉट मेक्स दम वेरी स्पेशल टू मी. जो सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आपने जो न्यू कमर बोला, तो हाँ जी हम न्यू कमर हैं, बट वी हैव बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर लास्ट 18 इयर्स. यस. सो शायद वो न्यू कमर है तो पता नहीं, वो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. इससे पहले इन्होंने रेस 3 में एक सॉन्ग किया था पार्टी चले वाले. जी जी. नो 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 नॉट दैट वे. नो नो वो है ही नहीं. कुछ दिन पहले हमारी खिटपिट हुई थी. मुझे लगता नहीं कि ये यू नो वो जबरदस्ती प्रेज करने वाले. नहीं ऐसे ऐसे है ही नहीं, ऐसे नहीं. जैसे इनका ऑरा है वो अपने आप से, वो ऐसी आवाज़ें ऐसी निकलती हैं अंदर से कि अच्छा पॉजिटिविटी आती है, तो वैसा कुछ. यस. मैं गाना शुरू कर दूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पूरा जो एक्सपीरियंस था स्टूडियो पे भी हमने दो बार रिकॉर्ड किया था. हाँ एंड बहुत मजा आया. आई थिंक द सॉन्ग इज वेरी कैची. एवरीबॉडी विल एग्री. इसी बात के लिए आपको एक बियर फ्री. आप मदिरा नहीं पीते? क्या I watch what I eat, I burn my calories and she dances. I lead a very disciplined life. स्मोकिंग मैं पहले करती थी, 2017 में क्विट कर दिया. एंड आई एम नाउ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट. आपके बोल्ड अंदाज की वजह से इंस्टाग्राम पे आपको काफी लोग प्यार भी करते हैं, काफी लोग ट्रोल भी करते हैं. उनको बोल्ड हेटर्स को क्या कहना चाहते हैं, ट्रोलर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेटर्स को क्या कहना चाहूंगी? आई लव यू वेरी मच. Haters are actually confused admirers. That's it. तो बहुत जल्द वो समझ जाएंगे कि दुनिया मुझे क्यों प्यार करती है, और जब समझ जाएंगे तो वो भी प्यार करने लगेंगे. मैं उनसे कहना चाहूँगी कि 2019 में वो बैक टू बैक सुपर हिट, एक्सेलेंट, माइंड बॉगलिंग, धमाकेदार म्यूजिक वीडियोस एंड सिंगल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीम से. यस. शर्लिन, बॉलीवुड में मीटू को लेके काफी बात हो रही है, रैशनलिस्ट को लेके जो इस तरह की कंडीशन को लेके क्या कहना चाहते हैं? मैंने हमेशा से ये कहा है कि मैं मीटू मूवमेंट को सपोर्ट करती हूँ. मैंने हमेशा से ये
कहा है कि मैं मी टू मूवमेंट को सपोर्ट करती हूँ. जब किसी का नाम निकलता है तो मुझे लगता नहीं कि हमें उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए. हमें नहीं पता कि जो बात कही गई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं. सो आई थिंक इट इज़ बेस्ट दैट वी सपोर्ट द मूवमेंट विदाउट कॉलिंग एनीबॉडी नेम्स. मुझे नहीं पता कि राजू सर का वर्जन क्या है और जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उनका वर्जन क्या है सच का. मुझे बस इतना पता है कि सच का कोई वर्जन नहीं होता है, सच सच होता है. तो जब बात आगे बढ़ेगी, जब मैटर कोर्ट में जाएगा, तब पता चलेगा, राइट? यस. सपोर्ट द मी टू मूवमेंट. एब्सोल्युटली. वी बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट. इफ वी डोंट देन हू विल, यू नो? सो वी स्टैंड अप फॉर इट एवरी सिंगल डे. वी सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, द मी टू मूवमेंट. यस. किसी भी इंडिविजुअल को अपनी डिग्निटी और लाइवलीहुड, इन दोनों में से मतलब किसी एक को नहीं चुनना चाहिए. ये दोनों भी जरूरी है. किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स महसूस नहीं करना चाहिए कि वो डिग्निटी को चूज करे या लाइवलीहुड को. इन दोनों का हक हम सब पर, मतलब हम सब का हक इन दोनों पर बनता है. That's it, I want to say. Thank you.